रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में नंदा की चौकी स्थित एक स्कूल में देश के प्रथम CDS जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सेनानियों की भूमि है और इसे वीर भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत के व्यक्तित्व और सिद्धांतों को जनता के बीच मिलाने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल रावत शौर्य, साहस और शालीनता के प्रतीक थे और ये तीनों गुण उसी में होते हैं जो आध्यात्मिक होगा। रावत जी भारत के उस सैन्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम यह मानते हैं कि एक सैनिक भले ही जंग कहीं भी लेकिन वह पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अंतर पर वह सिर्फ उस क्षेत्र का ही सैनिक नहीं होता बल्कि पूरे भारतवर्ष को अपना क्षेत्र समझता है। जैसे आप बिपिन रावत जी का उदाहरण जब देखते हैं तो उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, कश्मीर में उन्हें गोली लगी, सेना में रहते हुए उन्होंने भारत के उत्तरी सीमा के साथ साथ उत्तरी पूर्वी सीमा में भी अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं का सेना में शामिल होना प्रमुख प्राथमिकता रही है। सैन्य सेवा हमारे लिए मात्र रोजगार का अवसर नहीं बल्कि देश और समाज के लिए जीवन समर्पित करने का उत्कृष्ट मौका भी है। जनरल बिपिन रावत ने भी अपने जीवन काल में उत्तराखंड की इसी सैन्य परम्परा का निर्वहन किया।